हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जामुन का खट्टा मीठा शरबत की रेसिपी, क्योंकि आजकल जामुन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने कहा आज जामुन की रेसिपी शेयर की जाए। तो देखिए, इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स जामुन का पल्प निकाल लिया है, साइड से बीज निकाल लिए, बाकी सारा कुछ है छिलके समेत। तो मैं इनको सबसे पहले इसको देखिए एक पैन में डाल लूँगी। ये बहुत ही हेल्दी शरबत होता है एंड खट्टा मीठा। ये देखिए, इसमें मैं डाल दूंगी 1 लीटर पानी। अब इसको एक बार अच्छे से इसको उबाला आ जाए तो फिर हम स्लो फ्लेम पे कर देंगे। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको बीज नहीं डालने। कई लोग क्या करते हैं, साबुत जामुन उबाल लेते हैं, तो जी ये इसका जो बीज होते हैं वो थोड़े से कसैले होते हैं, तो ये आपका जो शरबत है इसको भी थोड़ा सा इसमें कड़वाहट आ सकती है। तो उसको बीज डालना बिल्कुल टोटली अवॉइड करिएगा और कोशिश करिएगा कि बीज निकाल लीजिएगा, उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। चलिए, एक उबाला आ जाता है तो उसको स्लो फ्लेम पे हम कम से कम 10 मिनट तक इसको बॉईल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मिनट अच्छे से बॉईल हो गया है और एक उबाला भी आ गया है अच्छे से इसमें। अब देखिए, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, कितना अच्छा सा कलर हो रहा है। तो अब हम इसको, हमें 10 मिनट टोटल बॉईल करना है, तो 1-2 मिनट तो हमारे हो चुके हैं। अब इसको बाकी का 7-8 मिनट मैं और बॉईल कर लेती हूँ। अब इसको स्लो फ्लेम पे कर दीजिएगा और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, जिससे पल्प इसका जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और सारा जो कलर है वो सारा अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखिए, हम इसको कर लेते हैं स्लो फ्लेम पे करके, इसको 7-8 मिनट और अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये अराउंड 7 मिनट तक ये बॉईल हो गया है। ये देखिए, आप जामुन ने अपना कलर छोड़ दिया है और ये कलर देखिए, पानी का कलर देखिए, कितना देखिए सुंदर हो गया है। ये देखिए, अब इस टाइम पे हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले 1/2 कप शुगर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, अब देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ उसमें आप जामुन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार जामुन होता है काफ़ी खट्टा होता है, कसैला होता है, कई बार जामुन बिल्कुल पका हुआ होता है और बहुत ही मीठा होता है। मेरा जामुन बहुत कसैला भी नहीं था और बहुत मीठा भी नहीं था, तो नॉर्मल के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। ये 1/2 कप शुगर डाली है मैंने, देखिए इसमें, और इसके बाद मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डालूंगी मैं 1 टीस्पून। इन सब की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। ये काला नमक है, ये चीज़ें हम इसमें देखिए डाल देंगे और बचा हुआ 1 मिनट जो है मैं इसको अच्छे से इसको बॉईल कर लेती हूँ कि शुगर भी इसके साथ उबल जाए अच्छे से। नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, सब अपना अपना फ्लेवर सब इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से सारा सब चीज़ों का। ये शरबत बनता बहुत ही टेस्टी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। ये आपके सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हेल्प्स टू मैनेज डायबिटीज़ और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। आप चाहें तो इसमें शुगर हटा सकते हैं, शुगर की जगह आप चाहें तो स्टीविया डाल सकते हैं, और अगर जामुन बहुत पके हुए हैं, राइप हैं, तो आप, ज़रूरी नहीं कि आपको शुगर लग रहा हो तो आप डालिए। और जिनको दांतों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये डायबिटीज, ये जामुन बहुत ही अच्छे होते हैं, ये जो गम्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन लोगों को जनरली लेडीज़ में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन काफ़ी कम रहता है, तो ये हीमोग्लोबिन, ये जो जामुन होते हैं कि इसमें विटामिन सी और आयरन जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इस समय कोशिश करिए कि सब जितना जामुन को जिस रूप में कच्चा खा सकते हैं, कभी शरबत बना के खाइए, जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं करिए, क्योंकि आजकल जामुन बहुत अच्छा आ रहा है। तो जनरली लेडीज़ में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती ही है। तो चलिए, अब हमारा इस टाइम पे ये हो गया है, मैं इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके अब हमें इसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाना है।
तो चलिए हम इसको ठंडा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से पीस लूँगी इसका अच्छे से, जिससे कि ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से इसको डाल के मैं दो बार में इसको अच्छे से, ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा क्योंकि इसका जो पर्व भी है, ये देखिए अभी तो बहुत पतला पानी, जो अगर मैं इसको, अगर आप स्ट्रेनर से या कच्ची से करेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी, तो इसलिए इससे अच्छा है कि मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छे से बना लेती हूँ मिक्सर। चलिए मैं इतना पहले पीस लेती हूँ, फिर दो बार में कर लेती हूँ। मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है, देखिए। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसको हम करेंगे स्ट्रेन। वैसे तो आप ऐसे भी एज इट इज़ भी ले सकते हैं, पर कई लोगों को बीच में थोड़े थोड़े इसके आते ही हैं छिलके, तो कई लोग पसंद नहीं करते हैं इसके छिलके के बीच में आए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये स्ट्रेन हो हमारा लगभग हो गया। इसके बाद बाकी का जो बैटर बचा हुआ उसको भी पीस के हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा दूसरा लॉट भी जो था वो भी अच्छे से पीस लिया है। अभी इसको अच्छे से, ये देखिए दबा दबा के इसका जूस निकाल लेंगे, इसीलिए मैंने स्ट्रेन किया है। ये देखिए कई बार जनरली छिलके मुँह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो अब हम पी रहे हैं तो अच्छे से पिए टेस्टी शरबत। ये देखिए ये हमारा पूरा इसका अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसमें चलिए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम लास्ट में, सबसे पहले तो देखिए आप इसको देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, आप अपना शुगर, सॉल्ट और ज़ीरा पाउडर अगर आपको और लग रहा हो तो और डाल लीजिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अराउंड लेमन जूस। ये आपके ऊपर है कि देख लीजिएगा टेस्ट करके, क्योंकि इसको हमने खट्टा मीठा शरबत है जामुन का, तो इसको हमने लेमन जूस डालेंगे। और इसके बाद ये देखिए ये पुदीना है, इसको मैं क्या करती हूँ, पुदीना धो के इसकी पत्तियाँ इसको मैं अच्छे से सुखा के उसके बाद इसको पीस लेती हूँ, तो थोड़ा सा वो मैं पुदीना डालूँगी। ये देखिए ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो नहीं, पर इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है इसका, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, हो जाता है। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल, जामुन का खट्टा मीठा शरबत, और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए मैं इसको अब सर्व कर देती हूँ। चलिए अब हम इसको बता देते हैं कि हमें कैसे बनाना है इसको फाइनली। तो सबसे पहले हमें, ये देखिए थोड़ी सी मैंने मिंट लीव्स हैं, इसको साबुत नहीं करी, मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये देखिए थोड़ी सी मिंट लीव्स डालेंगे इसमें, एक एक लेमन का स्लाइस डालेंगे इसमें, और इसके बाद इसमें डालेंगे हम आइस। आइस बहुत सारी डालनी है, ये देखिए गई आइस। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये के बाद हम इनको इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा जामुन का शरबत तैयार हो गया है, अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जामुन का शरबत रेडी हो गया, बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्टी और हेल्दी शरबत है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और फ्रेंड्स हो सके तो मेरे बाकी के वीडियोस भी देखिएगा, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।